दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि UFS चिप यानी UFI ने जो UFS चिप का जो अपडेट निकाला है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे वीडियो में कि कैसे आपको उसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे डाउनलोड करना है, दूसरी बात वो कैसे वर्क करेगा उसके बारे में आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर टूल ओपन करके दिखाए हैं UFI का, ठीक है। तो EMMC टूल मैंने ओपन किया है, तो इसमें यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन 1.5 है अभी जो UFI ने निकाला है, अभी लेटेस्ट वर्जन 1.5, ठीक है। अब पहले का था 1.4, ठीक है। तो उसके बाद अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ UFI का जो UFS टूल है उसे मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं UFS टूल ओपन हो चुका है, यहाँ पे UFS चिप का जो है ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस UFI ने भी दिखाया तो और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ और किस तरह से आपको इसे इंस्टॉल करना है और उसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका जो UFI का जो UFS सेटअप जो मेन सेटअप है पहले वाला 1.4 वो इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में पहले से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल का ऑप्शन है, ठीक है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको UFI का जो लेटेस्ट अपडेट आया है 1.50, ठीक है। तो ये जो है तो इसमें यहाँ पे तीन दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको नीचे वाला उसके नीचे से दूसरे वाला आपको डाउनलोड करना है, ये दोनों आपको डाउनलोड करना है। और क्यों डाउनलोड करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये कि दूसरे नंबर वाला जो सेटअप है इसको हम डाउनलोड इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास 1.4 चल रहा है UFI का सेटअप और यहाँ पे है 1.5, ठीक है। तो 1.5 इसको हम अगर डाउनलोड करते तो हमारा जो सेटअप UFI का मेन सेटअप होगा UFS प्रोग्रामर, ठीक है, वो सब हमारा जो 1.5 वर्जन हो जाएगा। और सबसे नीचे वाला जो है ये UFS, ठीक है, UFS जो IC है उसका जो टूल बॉक्स निकाला है इसको डाउनलोड करना है ताकि हमारा UFS IC काम कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इन दोनों को डाउनलोड कर लिया है पहले से, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगा इन दोनों सेटअप का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे ये 12 MB का है, ऊपर वाला जो है 388 MB का है, जो 1.50 सेटअप लेटेस्ट है UFI का वो 388 MB का है और जो UFS टूल बॉक्स का जो ये है टूल है ये आपका 12 MB का है। तो सबसे पहले मैंने जो है 388 MB वाले को एक्सट्रैक्ट किया, उसके फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे कुछ इस तरह का फाइल आपको दिखाई देगा। ये सारे फाइल जो है आपको कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है, सी प्रोग्राम ओपन करना है, आपको UFI का यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा है, UFI के फोल्डर को ओपन करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारा फाइल चला गया इसके अंदर में, फिर से हम वापस आएंगे यहाँ पे जो हमारा UFS टूल वाला जो सेटअप है उसे भी हम यहाँ पे दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस फोल्डर को ओपन करेंगे और ये सारे को फिर हम जो यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वापस हम सी प्रोग्राम में UFI के फोल्डर में इसे पेस्ट कर देंगे। रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस पे क्लिक मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो UFS चिप का जो सेटअप है उसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेंड कर देंगे, सबको क्लोज कर देना है और कुछ नहीं करना, बस इतनी सी करना है आपको, ठीक है। उसके बाद UFI का EMMC सेटअप जो हमारा 1.4 था इसे हम ओपन करेंगे तो हमारा जो वर्जन ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 जो लेटेस्ट अभी UFI ने निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.50 का जो सेटअप है ये आ चुका है, EMMC पार्टीशन का ऑप्शन है इसमें, UFS का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने EMMC टूल को ओपन किया है। अब चलिए हम UFS IC वाले टूल को हम ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पे देखते हैं ये भी वर्जन 1.50 है, उसके बाद यहाँ पे UFS का जो ऑप्शन आ चुका है।
तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बी एफ एस आई सी को। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये तो अपडेट हो चुका है, ठीक है, लेकिन पुराने वाले आई एस पी सॉकेट जो आपके पास है उससे अगर आप चाहेंगे कि इसमें हम बूट कराएं तो बूट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें बूट कराने के लिए आपको अलग से मार्केट में खरीदना पड़ेगा, यू एफ एस आई सी का यू एफ एस चिप का जो किट आया हुआ है, ठीक है, वो आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किट खरीदेंगे आप, उस किट में आप जम्पर करेंगे, मोबाइल को जम्पर करेंगे उस यू एफ एस किट से, और उस किट को आप बॉक्स में लगाएंगे और फिर यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे यू एफ एस आई सी वाले जो जितनी भी मोबाइल होंगी वो सब यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा, उसका इन्फो दिखाएगा, ठीक है, तब जाकर के वर्क करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि टूल में अपडेट कंपनी ने दिया लेकिन उसके लिए आपको हार्डवेयर किट खरीदना होगा यू एफ एस आई सी वाला, तब जाकर के वर्क करेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।